LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। नमस्कार, मैं सानिया गोरमेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठार कला से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि मेरी सरकार होती तो मैं क्या करती। यदि मेरी सरकार होती तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों पर होता। मैं उनमें देश प्रेम के और ईमानदारी के बारे में बताती, क्योंकि इतिहास कहता है कि किसी भी महासत्ता का पतन तब होता है जब देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ते हैं और देश प्रेम में कमी होती है, तो और धीरे धीरे देश का पतन होने भी शुरू होने लगता है। और इतिहास ये भी कहता है कि देश प्रेमी और मेहनती लोग राष्ट्र का निर्माण फिर से भी कर सकते हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण जापान से लिया जा सकता है। वहाँ 2-3 साल तक के बच्चों को ही देश प्रेम के बारे में बताया अथवा सिखाया जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार बच्चे बड़े होते हैं उनमें कुछ बुरी आदतें भी आने लगती हैं, जैसे नशे करना। मेरा यह मानना है कि यदि मेरी सरकार होती तो मैं उन्हें शुरू से ही इसके कुप्रभावों के बारे में बताती और इन सब चीज़ों से दूर रहने व इनका इस्तेमाल करने से रोकती, क्योंकि बच्चों को शुरू से जिस राह पर चलाया जाता है वह उन्हीं राहों को अपनाते हैं। हमारे राष्ट्र अथवा देश का निर्माण युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। यदि हमारी युवा पीढ़ी अच्छी होगी तभी एक अच्छे राष्ट्र व मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।